टाइप 1 डायबिटीज लोग नाम से ही डरते हैं, लेकिन इसे नॉर्मलाइज करने के लिए बहुत ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो लोग करते हैं। जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और आप टाइप 1 डायबिटीज डायग्नोस होते हैं बचपन में, तो पेरेंट्स को भी डर लगता है। और किस तरीके से ये जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है, इससे पूरी जिंदगी एक आम इंसान की तरह जी जा सकती है। इतना तक कि मुझे जो बताया जा रहा है कि आप माउंट एवरेस्ट भी क्लाइम कर सकते हैं, बेस कैंप तक भी जा सकते हैं। हम बात करेंगे डॉक्टर अशोक चिंगन से, जिन्होंने किताब लिखी है लिविंग विद डायबिटीज टाइप 1 डायबिटीज। सर, आप चीफ हैं, डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर डायबिटीज एंडोक्रिनोलॉजी मैक्स में, इनकी वाइफ भी हमारे साथ हैं। पहले तो सर, टाइप 1 डायबिटीज से जो लोग डरते हैं, उनकी जिंदगी पर सबसे बड़ा प्रभाव क्या पड़ता है? आपने अपनी इतने साल की जो प्रैक्टिस है उसमें क्या देखा? देखिए, टाइप 1 डायबिटीज जिनको होती है, वो उनके जीवन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सिर्फ समझने की बात है उसको, अपने पेरेंट्स को, सबके साथ। अगर वो एक टीम वर्क की तरह काम करते हैं तो दे कैन ऑल्सो लीड ए नॉर्मल लाइफ। देर आर पीपल हु आर नाउ 60 ईयर्स 70 ईयर्स, तो इसलिए किसी भी तरह से, किसी भी आस्पेक्ट पे जो लाइफ के, उस पर फर्क नहीं पड़ता है। ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू डेवलप ए दिस थिंग, यू हैव टू अडॉप्ट योर सेल्फ, दैट यू हैव टू लिव विद इट, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। यू हैव टू हैव इट 3 times insulin, 4 times insulin, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, एंड यू कैन लीड योर एब्सोल्युटली नॉर्मल लाइफ। यू कैन गेट मैरी, यू कैन हैव ए चिल्ड्रन, यू कैन लीड एब्सोल्युटली नॉर्मल लाइफ। मैरिज पे बात आ गई क्योंकि आप अपनी वाइफ के साथ भी खड़े हैं। डायबिटिक्स मैट्रिमोनी, ये जो वेबसाइट आपने लॉन्च की, इस पर आपको किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है? क्या वाकई में जो टाइप 1 डायबिटिक्स हैं, वो टाइप 1 डायबिटिक्स से ही शादी करना चाहते हैं, और किस तरीके से ये प्रथा चलती आ रही है? देखिए, ऐसा नहीं है, मैंने तो बल्कि ये देखा है कई लोग जो हैं टाइप 2 के भी जो है, मतलब नॉर्मल लोग भी जो है काफी आगे आए, और इसमें जो है, इसके जो व्यूअरशिप है वो अबाउट 91.8 मिलियन है वेबसाइट पे, और इसमें अब 8,000 पीपल आर रजिस्टर्ड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट्स नॉट फ्रॉम इंडिया, एंड दे आर गेटिंग मैरिड। दे डायरेक्टली, लाइक जस्ट नाउ देर इज अ मेल विच इज शोइंग दैट आई वांट टू गेट एनरोल्ड एंड प्लीज सेंड मी द नंबर फॉर दैट। सो आई थिंक दैट इज ए वन वे दैट दे आर, वी आर नॉट, वी हैव मेड अ साइट वेयर दे कैन जस्ट कॉन्टेक्ट विद द partner and then can go ahead with that, and if they, and like this they have so many people have got married. So let me ask your better half, ye site aap logo ne kyu launch ki 2007? एक्चुअल में इसका यही प्रॉब्लम हो रहा था, बिकॉज वन ऑफ आर पेशेंट्स, शी गॉट मैरिड, दिस इज बैक इन 2005, शी गॉट मैरिड, उसको घर वहां जाके बहुत टॉर्चर करा गया, एंड देन फाइनली शी केम बैक, एंड आई थिंक वन पेशेंट कमिटेड सुइसाइड ऑल्सो बिकॉज जस्ट बिकॉज टाइप 1 डायबिटीज, बिकॉज देन दे थिंक कि आपको रोज रोज ये तो बीमारी रहती है हमेशा, और कोई काम नहीं कर सकती, और आगे क्या होगा, बच्चे होंगे तो क्या होगा। तो मोस्टली उन लोग को बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी अपने इन लॉज के यहाँ से, एंड दे वर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू फाइंड पार्टनर ऑल्सो, क्योंकि सोसाइटी में इतना वो था कि डायबिटिक है, ये प्रॉब्लम होगा, ये प्रॉब्लम, तो उनका मतलब इवन एंगेजमेंट और जस्ट टू फाइंड अ बॉय और अ गर्ल वॉज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट। तो इसलिए ये फाइंड हमने साइट लॉन्च करी कि उससे लाइक सेम जो लोग डायबिटिक्स हैं उनको ईजी रहेगा टू कॉन्टैक्ट ईच अदर, एंड बट सोसाइटी में हमने चेंज देखा है, अभी बहुत से नॉर्मल लोग भी हाँ डायबिटिक्स के साथ में मैरिज करना चाह रहे हैं, और टाइप 1 डायबिटिक्स का नाम बताया आपने, diabeticmatrimony.com। तो हमने आपको साइट का नाम भी बताया है। एक आपको बहुत इंटरेस्टिंग इंसान से भी हम मिलाएंगे, सिद्धार्थ है हमारे साथ यहाँ पे, ही इज अ टाइप 1 डायबिटिक, यू बीन ट्रीटेड बाय डॉक्टर 18 ईयर्स। मुझे बताइए कि आपको 5 साल की उम्र से डायबिटीज डायग्नोज? व्हेन आई वाज 17 देन आई वाज डायग्नोज विद टाइप 1 डायबिटीज, एंड आई एम 36 नाउ, सो ऑलमोस्ट हाफ माय लाइफ आई हैव बीन ट्रीटेड बाय हिम। या तो हमें हिंदी में बताइए हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि मुझे डॉक्टर सर ने कहा कि आप बहुत एंथुजियास्टिक है लाइफ में, और आप माउंटेनियरिंग करना बहुत पसंद करते हैं, तो क्या एक टाइप 1 डायबिटिक जो इंसुलिन डिपेंडेंट होता है वो आराम से माउंटेनियरिंग कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरह की भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप अपने आप को मैनेज कर पाओ, अपने आप को ठीक से देख पाओ,
और ध्यान रख पाओ अपनी शुगर का और डायबिटीज इंसुलिन का, कि आपको कब लेना है, कहाँ लेना है, कैसे लेना है। तो जैसे मैंने आपको कहा, मैं 36 इयर्स का हूँ, उनको 17 साल में डायबिटीज डायग्नोस हुई थी। उसके बाद मैंने डांस, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेनियरिंग सब किया है, जस्ट बेसिस ऑन हिज गाइडेंस। कहाँ माउंटेनियरिंग कर चुके हैं आप, लद्दाख में कर चुका हूँ, 2 बारी नेपाल जा चुका हूँ, 2 बारी बेस कैंप जा चुका हूँ, एवरेस्ट बेस कैंप, अर्जेंटीना जा चुका हूँ, अफ्रीका किलिमंजारो विच इज इट्स हाईएस्ट पीक, वहाँ भी जा चुका हूँ। एवरेस्ट कैंप, बेस कैंप आपका जाने का प्लान है? एवरेस्ट बेस कैंप मैं 2 बारी ऑलरेडी कर चुका हूँ, नाउ आई हैव, अब मेरा प्लान है टू ट्राई, नॉट नाउ बट या प्रोग्रेसिवली माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने का। हमने पिक्चर देखी ऊंचाई, उसमें ना वो एल्डर लोग जो हैं वो जा रहे होते हैं, अमिताभ बच्चन भी हैं उस पिक्चर में, और कितना मुश्किल होता है बेस कैंप। बिल्कुल, हाँ ऊंचाई पिक्चर है, तो वो आप कर चुके हैं जी 2 बारी। तो आप देख सकते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज के बावजूद भी अगर सिद्धार्थ माउंटेनियरिंग एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं, तो नॉर्मलाइज किस तरीके से इस इलनेस को करना है। डॉक्टर, फाइनली मैं यही पूछना चाहूंगी कि लोगों को जो डर रहता है इससे, क्या आपकी किताब में ये भी लिखा है कि इससे कैसे बाहर आना है? बेसिकली ये जो है अप्रीहेंशंस और जो बिलीव्स हैं वो सबसे ज्यादा पेशेंट्स के लिए बैरियर्स होते हैं, यही अगर ओवरकम कर लिए जाएं तो ये सब लोग, देखिए बिल्कुल ठीक है। अभी आपने देखा बहुत सारे बच्चे हैं, बड़े बड़े बच्चे भी हैं हमारे साथ, वो रिंकी मिनोचा भी हैं जिनके अपने 2 बच्चे हो चुके हैं और आजकल ये काउंसलर बन चुकी हैं हमारे यहाँ। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज ओनली थिंग इज दैट दे अंडरस्टैंडिंग, और जो सोशल स्टिग्मा है जिस दिन ये हट जाएगा तो मुझे लगता है ये इस बीमारी से किसी को कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। सो आई थिंक दिस अंटिल अनलेस दैट द सोशल स्टिग्मा इज ओवर द रिंकी। आप कुछ कहना चाहेंगी? यू आर नाउ मैरिड, व्हाट वर योर इश्यूज व्हेन यू वर डायग्नोस्ड, क्या प्रॉब्लम्स हुई? I have been diabetic for 24 years now and I have 2 sons, 23 and 18, and both are absolutely healthy, hale, hearty. I think it is just a misconception that people have. We need to create more awareness. Jitna logo ko pata lagega aur jitna support. जैसे मैं अब जुवेनाइल डायबिटीज के लिए काउंसलिंग करती हूँ बच्चों को, आई थिंक बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स का डर है। पेरेंट्स पास देयर फियर एंड एंग्जाइटी टू द चाइल्ड, एंड व्हाट द चाइल्ड नीड्स इज द सपोर्ट, बिकॉज एनीबडी हु हैज डायबिटीज कैन लीड अ वेरी नॉर्मल लाइफ। आई हैव बीन डायबिटिक फॉर सो लॉन्ग, इंसुलिन डिपेंडेंट, एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट यू लीड is, I think people look at me for inspiration because they feel at 47 I'm leading a healthy, hale, happy life. So it's the parents who need to, you know, go across this barrier, support their child, and parents support will give them more positivity. I think ek acche doctor ka bhi milna bahut zaruri hota hai ki. Very true. It's been his guidance. I came to him when I was diagnosed with my first pregnancy. And these 24 years, he's been my psychologist, my psychiatrist, my anchor, and my, you know, he's been my angel all through. Wonderful to hear this. बहुत ही अच्छा लगा ये सुनकर, और आपको भी इसीलिए हम ये बता रहे हैं कि जिन लोगों को भी टाइप 1 डायबिटीज है वो डरे नहीं, और सटनी ये एक ऐसी बीमारी नहीं है जिससे एक स्टिग्मा क्रिएट होना चाहिए, और शायद इसीलिए इस तरीके का आज अवेयरनेस प्रोग्राम भी रखा हुआ है। आने वाले वक्त में भी यूरोप में जहां डायबिटीज टाइप 1 बहुत ज्यादा फैल गया है, भारत भी इसी डायरेक्शन में चलता हुआ दिख रहा है, लेकिन नॉर्मलाइज करना है चीजों को, और टाइप 1 डायबिटीज से भी आप एक सामान्य जिंदगी जरूर जी सकते हैं। अंकित सिंह के साथ मिलन शर्मा, आज तक।